હેલો, કેમ છો? એક મિનિટ ઉભા રહો, ઉભા રહો, ઉભા રહો. રેશમા બેન, અરે એક મિનિટ રૂકો, અરે રૂકો રૂકો. આમ દેખો બેન, દોસ્તો અભી હમ બરોડા મેં હૈ ઓર યહાં પે એક બહેન હૈ જો બહોત હી બુરી કન્ડિશન કે સાથ માનસિક રૂપ સે બીમાર હૈ. હમારે સાથ બરોડા સે રેશમા બેન ભી હૈ. કિતને દિન સે વો યહાં પે હૈ? પિછલે 6 મહિને, 6-7 મહિને સે યહાં પર. और हमारे फाउंडेशन में मतलब 10 से 12 कंप्लेन आ चुकी है. अच्छा, चले दोस्तों आज थोड़ी सी कोशिश करते हैं. एक बहन की जो जिंदगी बन जाएगी, बहुत ही कम उम्र लग रही है और उसके साथ कुछ भी गलत भी हो सकता है, बट थोड़ी सी कोशिश करने से जो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी तो हमारे सबसे बड़ी सेवा होगी. पूरा टाइम लगेगा थोड़ा और परेशान भी बहुत ज़्यादा करेगी, बट पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए. थैंक यू सो मच. आप रुको, डरिए मत. आप क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? मैं आपको मदद करने के लिए आया हूँ बहन. आपकी मदद के लिए हम लोग आए. लाओ एक मिनट छतरी दे दो. इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ, साइड पर आ जाओ. पकड़ लो, अरे आपको छोड़ देंगे, आपको नहीं कुछ करेंगे. आप आ जाओ इधर, साइड पर आ जाओ. नहीं यार, मुझे छोड़ दो. तुम लोग कौन हो? मैं आपका भाई हूँ. जाना है ना आपको? ये छाता रख दो. नहीं हटो. हाँ हाँ, रुको रुको, एक मिनट. इधर आ जाओ, इधर घूमना करो. पब्लिक बेगी कही रही है. रख दो. आप चलो मेरे. अरे हम आपकी मदद. आप कुछ नहीं करेंगे. आप भाई गाड़ी लो ना. अरे भाई गाड़ी लो, ट्रैफिक का ही है. कौन हो माजी? गाड़ी ट्रैफिक का ही. आप चलो मेरे साथ, चलो चलो आ जाओ इधर. બસ થઈ ગયું, થઈ ગયું, થઈ ગયું. હા, આપ મહિલા હેલ્પલાઈન સે હો ના? હા, સીટી. અચ્છા, બેન તો અભી અમારે સાથ હી હૈ તો આપ ઉસ. હા, અભી દેખા દઉં. ચલો ચલો, લઈ જવાના છે. નહીં હલે, નહીં હલે. ક્યું રો રહે હો? સમજદાર છો તમે, બધું સમજાય છે. પણ લોકો એને હેરાન બહુ કરે છે. મારે છે ને લોકો પથરા મારે છે ને લોકો. લોકો તમને હેરાન કરે છે ને? એમને અહીંયા આગળ એરિયામાં ફર્યા કરે ને એટલે લોકો એમને હેરાન કરે છે. અને અહીંયા જ એરિયામાં આખો દિવસ ફરતા હોય છે. क्या नाम है बहन आपका? बताइए. आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ. देखो बहन भी, हमने बहन को भी बुला लिया है. वो आपकी महिला हेल्पलाइन में स्पेशल ऐसी मदद करते हैं. आप टेंशन मत लो कुछ. क्या नाम है आपका? है बहन, पूछो ना जरा नाम. तो नाम शू है तुम्हारू? नाम तुम्हारा परिवार में कौन कौन से? દોસ્તો અભી હમને 181 મેં મહિલા હેલ્પલાઈન કો ભી ફોન કર દિયા થા સ્ટેશન ઓર નજીક સે પોલીસ સ્ટેશન કા ભી હમે સપોર્ટ મિલ ગયા હૈ. વૈસે તો મહિલા હૈ ઇસકે લિયે કાફી સુરક્ષા કો ભી ધ્યાન રખના પડતા હૈ. તો આપકે આસપાસ ભી એસી કોઈ મહિલા ઘૂમ રહી હૈ જિસકી મદદ કી જરૂરત હૈ, તો પ્લીઝ આપ 181 મેં ભી ફોન કર સકતે હો. યોર મહિલા પોલીસ સ્ટેશન મેં સે સી ટીમ કો ભી આપ ફોન કર સકતે હો, જિસકી મદદ સે કિસી મહિલા કા મદદ હમ કર સકતે. થેન્ક યુ સો મચ બેન. तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अभी हम लेके जा रहे हैं, हम उसको लेके जाते हैं. उसके हालात बहुत ही गंभीर है, काफ़ी दिन से नहाया नहीं है. मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए. थैंक यू सो मच. चलो बहन, थैंक यू. आ जाओ बहन, देखो आपको बहन लेने आई है. आप डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, आपका छोटा भाई हूँ. बहन बहन के पास जाइए. बहन को पहले टॉयलेट में ले जाना, उसको बाथरूम जाना है. चलो आप जाओ. अरे बाप रे. दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद शेल्टर होम. ज्योति सामाजिक सेवा संस्था और आनंद नगर पालिका द्वारा ये जो सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, कुछ ना कुछ सपोर्ट रूप ऐसे बनता है कि जिसकी व्यक्ति की जिंदगी बदल रही है. बस आप भी अपने आसपास जो भी गवर्नमेंट की जो सुविधा है उसका भी आप लाभ ले सकते हो.
और आज बहन की हालत बहुत ही गंभीर है, मैंने दूर से देखा था, बट अभी नज़दीक से भी आपको दिखाता हूँ कि उसके बालों की हालत कितनी ख़राब है, उसके शरीर के जो कपड़े हैं वो कितने ख़राब है, काफ़ी दिन से चेंज नहीं किए, बहुत दुर्गंध आ रही है, बट चलिए कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए, थैंक यू सो मच। चलो खड़े हो जाओ, बहन आपको ले लेंगे। आप अच्छे कपड़े, आप कितने सुंदर दिखते हो, आपको पता है? आपको अरीसा दिखाओ, अभी आप कितने गंदे दिख रहे हो। नहाओगे ना तो अच्छे लगोगे। आप नहाओगे, अच्छे कपड़े पहन लोगे तो बहुत बढ़िया दिखोगे आप। बाद में आराम करो, अपने कोई तो क्यों परेशान करते हो आप? मैं आपका छोटा भाई नहीं हूँ। तुम क्यों परेशान करते हो मुझे? अरे आप मेरी बहन हो तो आपको एक सही अच्छे से रहना चाहिए ना। आपको आपके बालों की हालत देखिए, आपके कपड़े देखिए। तुम कौन हो? मैं आपका भाई हूँ। नहीं बनोगे बहन मेरी? तुम हाई क्यों लेते हो मेरी? क्यों आप मुझे हाई दोगे? मुझे यहाँ उठा के क्यों लाए? आपके हालात बदलने के लिए। नहीं, वहाँ पे रोड पे कितना आपको लोग मारते थे, आपके साथ गलत काम करते थे, वो सही था? ऐसे घूमते रहना रोड पे इतनी धूप में, वो सही है? नहीं, मैं हम नहाते हैं। कहाँ नहाते हो? आपके कपड़े देखो पूरे व्हाइट में से ब्लैक हो गए। तो फिर यहाँ पे आपको छाव मिल रही है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? चलो अब मस्त तैयार हो जाते, आ जाओ। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो खुर्ची लेके आओ, बहन को खुर्ची में बिठाओ। कौन सा कलर पसंद है? देखो आपके लिए देखो बढ़िया ड्रेस भी है। आपको ये कलर पहनना है? ये भी मस्त है, देखो येलो, दोनों मेरे फेवरेट कलर है। ये पहनोगे? ये मस्त है। हाँ? ये वाला, ये लो बहन, आपको पहना लेके सब कुछ। हाँ। बहन को आप बता देना, ठीक है? बहन का बाल भी काट दो। चलो खड़े हो जाओ। क्या भूत भगा रहे हो? हैं? मेरे को छप डाल दो भूत। ये कितने दिन से नहीं आपने बाल अच्छे से साफ किए थे? हैं? आपके हालात तो देखो अभी। अब मैं क्या करूँ बोलो, काट दूँ कि ऐसे ही रखूँ? ऐसे तो नहीं होगा सही। वो आपको पूरा है ना, खा जाएगा वो, कीड़ा रहेगा अंदर, कितने कीड़े मकोड़े हैं, आपको बहुत तकलीफ। हेलो बहन आपको काट देगी, मस्त। हेलो बहन काट दो। दोस्तों आप बहन की हालात देखिए, इधर आइए अभी आप। अरे बहन आपको मस्त कर देगी अभी। ये दोस्तों देखिए आप बहन के बालों की हालत है, इतने मतलब जड़ चुके हैं धूल मिट्टी के कारण, जिसके हालात देख के आप खुद परेशान हो जाओ। देखो बहन आप कितने मस्त दिख रहे हो आप, पता है आपको? आपके सभी बाल नहीं काटेंगे, जो खराब खराब थे ना वही काट दिए। देखो ये कितने गंदे बाल थे, देखो ये आपके बाल है, देखो कितना बोझ लेके आप जड़ रहे थे। हैं अब हल्का हो गया ना पूरा? अभी मस्त फ्रेश हो जाओ बहन, आपको मस्त नहला देंगे, अच्छे कपड़े पहन लो, उसके बाद देखो आप मस्त दिखोगे। चाय पीते हैं, ठीक है? है ना? चाय पीने का ना बाद में। फिर बाद में हम चाय पीते हैं साथ में, ठीक है बहन? नहीं वैसे मुझे खाली चाय पीनी। चाय पीना है ना, अब नहा लो। ना ना ना। नहाने के बाद चाय पीना पिया जाता है, ऐसे आपके बाल अच्छे कर देते हैं। आपका नाम क्या है बहन? आपका नाम क्या है? नहीं कहना। आप नाम बता दो ना प्लीज मुझे। हैं? तुम कौन हो? मेरा नाम पोपट भाई है। तो क्यों ऐसा किया हमको? आपकी हालत बदलने के लिए। हमारी हालत तो अच्छी है। अच्छी थी? तुमने क्या ऐसा किया? आपकी हालत बदलने के लिए। हैं? कुछ भी नहीं। आपका नाम बता दो चलो मुझे। मुझे नाम मालूम है इनका। क्या है इनका नाम? है मैंने देखा है शायद इनको। आपका नाम क्या है? मैं भूल गया, उस दिन आप मिले थे ना मेरे को, भूल गए क्या नाम था? लता जी है। लता जी शायद है ना, लता जी। देखो आप कितने मस्त दिख रहे हो अब। हैं? अभी आप मस्त शैम्पू डाल के नहा लोगे ना, उसके बाद तो आप और मस्त दिखोगे। दोस्तों किसी भी व्यक्ति जो प्यार से समझाया जाए तो हर कोई व्यक्ति बदलना जरूर चाहता है, वो एक अच्छी तरह से ज़िंदगी को जीना है, बट हम प्यार से आज बदलाव लाने की कोशिश की है। बट मैं मानता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो आसपास में रहता है, हज़ारों लाखों लोग व्यक्ति वहाँ से निकल रहे हैं, पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि व्यक्ति के पास जाइए और उसके हालात बदले। बट चलिए कोई बात नहीं, कोशिश की है आज बहन की हालत बदलने की, बट आप पूरा वीडियो देखिए और शेयर कर दीजिए, थैंक यू सो मच। जाओ मस्त आपको बहन है ना तैयार कर देंगे, जाओ जाओ ना लो।
जो मारे हैं। नाम ठीक कुछ नहीं बोला। लोंका नाम ठीक है। आगर सू, अटक सू। चंपा बेन। क्यों गाम तमारू चंपा बेन? कहाँ ये वधु कम पूछो। तमार घरे नथी जाऊँ? हाँ जाऊँ ना। जाऊँ छने? तो क्यों गाम तमारू? પણ તમારું ગામ કહેશો તો હું તમને દર્દી જેટલા લોકો તમારા ગામથી જોતા હશે ને તમને ઘરવાળા લેવા આવશે એટલે નહીં પૂછે ચાલો અમારા ચંપાબેનને આખા ગુજરાતમાં જેટલા લોકો જોવે છે વડોદરાની આજુબાજુના ગામડામાંથી જે પણ કોઈ વ્યક્તિ બેનને ઓળખતા હોય તો પ્લીઝ અમને કોન્ટેક કરજો બેન ખૂબ સારી રીતે કન્ડિશનમાં છે બસ એમને ખાલી પ્રેમ અને થોડીક હૂફની જરૂર છે થોડુંક માર્ગદર્શનના માધ્યમથી વ્યવસ્થિત વ્યક્તિને આપણે લાઈન ઉપર લાવી શકીએ છીએ પણ કસે ના કસે વ્યવસ્થિત માર્ગ ના મળવાના રીતે વ્યક્તિ ભટકી જતા હોય છે તમારું ગામનું નામ શું છે ગામનું નામ બોલીશ તો ઘરે મૂકવા આવશે ને એમને થોડી ઘરે મૂકવાય ગામનું નામ શું હે સમસ્યા કે આવ્યું સામરખા સામરખા સમસ્યા 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 ગામ સમસ્યા ગામ તો વડોદરામાં કેટલા વર્ષથી રહેતા હતા એવું બધું મને નહીં ખબર એવું બધું નહીં ખબર અમારા સમસ્યા ગામથી બેન રહેવાસી છે અને સમસ્યા ગામના જેટલા પણ લોકો જોવે છે હું ગામનું નામ તો પહેલી વાર મેં સાંભળ્યું છે પણ સાહેબ જો આ ગામના નામથી કોઈ વ્યક્તિ જાણતા હોય બેનને તો પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ કરો જેથી એના પરિવાર સુધી આપણે પહોંચી જશું બસ દોસ્તો એસે પ્યાર દેતે રહીએ આજ અમારે ગુજરાત કે અંદર એ ચંપાબેન કે હાલાત બદલને કા છોટા સા પ્રયત્ન કિયા અમને આપકો અચ્છા લગા હૈ તો પ્લીઝ આપ સપોર્ટ દેતે રહેના ઓર યે જો ગવર્નમેન્ટ કી જો ફેસિલિટી હૈ જ્યોતિ સામાજિક સેવા સંસ્થા ઓર આનંદ નગર પાલિકા દ્વારા જો શેલ્ટર હોમ ચલાયા જાતા હૈ बस बेटर करने के लिए हम एज अ सपोर्टर काम कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट देते रहना अच्छे मिलेंगे एक नए वीडियो के माध्यम से तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए थैंक यू सो मच चलो चंपा बेन में रजा लो है ना ध्यान रख जो तुम्हारू